दिल्ली की कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद अब हल्द्वानी में भी कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जहां एक दर्जन से अधिक कोचिंग सेंटरों को नोटिस भेजे गए हैं। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हल्द्वानी के निर्देश पर शहर के अलग अलग कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से एक दर्जन कोचिंग सेंटरों के प्रमाण नहीं मिले। साथ ही पार्किंग के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं मिली, जिस पर कोचिंग सेंटरों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए फायर ब्रिगेड द्वारा कोचिंग सेंटरों की चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अभी जो हाल में घटना हुई है उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं, खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सेंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है, या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।